केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। चुनावी रण क्षेत्र में रेणुका सिंह का सामना कांग्रेस के गुलाब कमरों से होगा। दोनों ही कद्दावर नेता हैं और चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। रेणुका सिंह को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस भी जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी हमारे संवाददाता ने रेणुका सिंह से खास बातचीत की। में उत्तरी हिस्से में विधानसभा क्रमांक एक से विधानसभा की शुरुआत होती है, जहां से केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी विधानसभा प्रत्याशी बनाई गई हैं और इन दिनों प्रचार प्रसार में जुटी हैं। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में अभी आप जा रही हैं? प्रशासन का कहना है कि आपके साथ गाड़ियों का काफिला है। मैं तो दो तीन गाड़ी में ही चलती हूँ, लेकिन पीछे से जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आम जनता सब उत्साहित हैं मेरे यहाँ से प्रत्याशी बनने पर। तो उनकी गाड़ियाँ हमारे काफिले में शामिल हो जाती हैं। इस वक्त मैं क्या करूँ, जहाँ भी जाती हूँ मैं तो भीड़ अपने आप उमड़ रही है मुझे सुनने के लिए, मुझसे मिलने के लिए और मुझे बधाई देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो इसमें अब मेरी तरफ से तो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, जनता स्वयं जुड़ रही है। वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरों का कहना है कि हम जाति और धर्म के नाम पर चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, बल्कि विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे। यह धान का कीमत है आपका इस बार 2640 रुपए दिए हैं, आने वाले दिन में हम 20 क्विंटल खरीदेंगे और 2800 की कीमत से खरीदेंगे। इसलिए हमारी यहाँ की किसान भाई, हमारे आदिवासी, यहाँ के नौजवान, महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ चाहे मितानिन बहन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, अभी जुलाई में होने वाले बजट समय कर्मचारियों के लिए हमारा सौगात होगा। इसलिए हम विकास को लेकर मैदान आएंगे। हम जाति पाति धर्म के नाम से हम कोई राजनीति नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं, विकास का काम करते हैं, उस पर हम लोग मैदान पर रहेंगे। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के इन दोनों उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि चुनकर कौन आएगा इसका फैसला यहाँ की जनता ही तय करेगी।